नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेक उमेश पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निकॉन DSLR के स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ इफेक्ट का आपको बताऊँगा फुल डिटेल्स के साथ में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला इफेक्ट मैं आपको बताऊँगा कलर स्केच इफेक्ट, जो निकॉन DSLR कैमरे में दिया होता है, उसको हम लोग कैसे फोटोग्राफ करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक और इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, टॉय कैमरा इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कलर स्केच इस इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, अभी मेरा कैमरा जो है ये मैनुअल मोड पे सेलेक्ट है, इसको मैं इफेक्ट पे कर देता हूँ डायल मोड को रोटेट करके। अभी मैं इसका लाइव व्यू स्विच ऑन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अभी मेरा कैमरा जो है इफेक्ट में चला गया है। और यहाँ पे जो है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था, जिसकी भी मैंने आपको बात की थी कलर स्केच इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, जब हम कलर स्केच इफेक्ट को ऑन करते हैं, तो इसमें हमारा कैमरा जो है, जो भी फोटोग्राफ लेता है उसको एक स्केच की तरह दिखाता है। जैसे हम लोग कागज़ पेंटिंग करते हैं, कागज़ पर हम लोग स्केच बनाते हैं, उसके आउटलाइंस वगैरह देते हैं, तो उसमें इसकी आउटलाइंस और कलर को ये जो है अलग से इफेक्ट देता है, स्केच का इफेक्ट आपको देता है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि कलर स्केच इफेक्ट हमको यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, यहाँ पे हमने इफेक्ट मोड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने इसको रोटेटिंग डायल से इसका कलर स्केच इफेक्ट भी सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो सेलेक्टर डायल रहता है, यहाँ पे हमारा ओके का बटन रहता है, इस ओके के बटन को हम लोग प्रेस करेंगे। ओके के बटन को प्रेस करते ही दोस्तों, आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, विविडनेस का और आउटलाइंस का। और इसके बीच में आप दोस्तों, यहाँ पे ये जो देखेंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पॉइंट दिया हुआ है येलो कलर का, मिडिल में है, और यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो जैसे ही हम सेलेक्टर डायल से इसको अगर हम प्लस की तरफ करेंगे तो हमारा विविडनेस बढ़ जाएगा, और बीच में रखेंगे तो मीडियम रहेगा, और इधर लो कर देंगे माइनस की तरफ करेंगे तो लो हो जाएगा, मतलब थोड़ा डल हो जाएगा। सेम इसका आउटलाइन को भी हम सेलेक्टर डायल से जो है इसको थोड़ा नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं, आउटलाइन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आउटलाइन को माइनस की तरफ करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा डल हो गया है, वाश्ड आउट हो गया है आउटलाइन इसका। और इसको मीडियम करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और हाई करेंगे तो एकदम ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है मीडियम में लेके दिखाऊँगा दोनों चीज़ों का। दोनों मैंने आउटलाइन और विविडनेस दोनों इसका मीडियम में सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको ओके को सेलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, अब इसी सेटिंग पर मेरा ये कैमरा फोटोग्राफ लेगा। तो यहाँ पर मैं इसको एक हाफ प्रेस करता हूँ। दोस्तों, मैं इस समय इंडोर फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो लाइट थोड़ा कम है, इसलिए मेरा फोकस इसमें ऑन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप आउटडोर में इसको शूट करेंगे तो आपका फ्लैश ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसका हाफ बटन प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे को इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर इसका एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ। दोस्तों, ये मेरा फ़ोटो इसका आया है, इस तरीके से आपको इसका एक फ़ोटो दिखाएगा। अब मैं इसकी एक सेटिंग दोबारा चेंज करता हूँ लाइव व्यू में जाके। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से ओके करता हूँ, विविडनेस को मैं हाई कर देता हूँ, सेम आउटलाइन को भी मैं हाई ओके कर देता हूँ, इसको ओके करके सेलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसका फिर से एक फ़ोटो लेते हैं, ये इसका है। अभी आप देखिए एक दोबारा एक फिर इसका एक फ़ोटो आएगा, अच्छी तरीके से आप देखिएगा किसमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों, ये हमारा पहला फ़ोटो था जो हमने लिया था, जो मीडियम पे था, और ये जो है हमारा इसका हाई आउटलाइन और हाई विविडनेस पे था। इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात इसमें मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप इस मोड में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वीडियो आपको वैसा वीडियो प्ले नहीं होगा जैसा कि नॉर्मल वीडियो प्ले होता है। इस मोड में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वीडियो आपको जो है स्लाइड शो की तरह प्ले होगा, जैसे हम काफ़ी सारे फोटो इकट्ठे करके उसको स्लाइड शो में प्ले करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर आपको इसका वीडियो प्ले किया जाएगा। दोस्तों, ये था कलर स्केच मोड का फुल डिस्क्रिप्शन। टॉय कैमरे इफेक्ट का वीडियो मैं आपको अलग से बना के अपलोड करूँगा, तो उस वीडियो का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहें। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।